तो सामने से लुक काफी ज्यादा शानदार आपको मिलने वाला है। तो आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं आप, और इसी की वजह से आप इसे अगर पानी में अंदर तक भी ले जाते हैं तो भी ये बंद होने वाला नहीं है। पहले अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है वो गाड़ियों की तरह इसे कुछ बनाने की कोशिश की गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडियंस में, और आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं न्यू बजाज मैक्सिमा सी, और ये इसका एक्सएल वेरियंट है। इसके अंदर दो वेरियंट आते हैं, एक इसका एल वेरियंट आता है और ये इसका बजाज मैक्सिमा एक्सएल वेरिएंट है, और सी जो है वो करता है डिनोट कार्गो को। तो ये है बजाज मैक्सिमा कार्गो, ये एक कॉमर्शियल लोडर व्हीकल है और इसके अंदर आपको डीजल का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन ये इसका पेट्रोल विद सीएनजी वेरिएंट है। तो आज हम इसका फुल डिटेल रिव्यू करेंगे और जानेंगे इसके बारे में क्या कुछ इसमें ऑफर किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव किए गए हैं, फीचर इसमें बहुत ज़्यादा बदल दिए गए हैं, तो सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह फ्रंट से, और फ्रंट में आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कोई भी वॉशर नहीं मिलता, लेकिन आपको इसमें एक बड़ा वाइपर देखने के लिए मिल जाता है जिसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। देख सकते हैं आप पूरी विंडशील्ड को ये अच्छे से साफ कर देगा फ्रंट मिरर को, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ इसका दिया गया है। नीचे की तरफ भी काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी DRL मिल जाती है और इसी के साथ इंडिकेटर मिल जाते हैं, दोनों हेलोजन सेटअप में ही मिलते हैं। नीचे की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको हेलोजन सेटअप में इसके हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, दो हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं दोनों साइड, और बीच में इसमें पार्ट दिया गया है काफ़ी ज़्यादा मेट ब्लैक फिनिश में। ये नंबर प्लेट का सेक्शन है, बाकी यहाँ आप देखेंगे बजाज मैक्सिमा की बैचिंग क्रोम में दी गई है और ब्लैक पार्ट ये दिया गया है। सामने की तरफ एक हॉर्न यहाँ पर मिल जाता है जिसके लिए हॉर्न ग्रिल भी दी गई है, ये मेट ब्लैक फिनिश में दिया गया है इसका ब्लैक पार्ट, ये सब आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलने वाला है। नीचे की तरफ CNG की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब चलते हैं एक बार इसके सस्पेंशन की तरफ, यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, इस तरीके का आपको कुछ सस्पेंशन इसका देखने के लिए मिलेगा। दोनों साइड ड्यूअल सस्पेंशन मिलते हैं आपको फ्रंट में, और टायर साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ 130/80 और 12 इंचज़ का आपको इसमें रिम देखने के लिए मिलेगा, रिम आपको थोड़ा छोटा मिलता है, पीछे की तरफ मड फ्लैप भी मिल जाता है। बाकी टायर साइज़ पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छा इसे कर दिया गया है। और इस साइड से मैं आपको इसके एक बार ब्रेक्स दिखा देता हूँ, तो आपको इसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं और सस्पेंशन आपको इस साइड भी देखने के लिए इसमें मिलने वाला है। टायर साइज़ बहुत अच्छा कर दिया गया है, थ्री व्हीलर है ये, और इसमें आपको तीनों इसी सेम साइज़ के टायर देखने के लिए मिलने वाले हैं। साइड मिरर एक बार देख लेते हैं, तो इनका साइज़ भी पहले से थोड़ा बदल दिया गया है, काफ़ी मैसिव साइज़ के आपको इसमें साइड मिरर देखने के लिए मिल जाएंगे, ये आपको बाहर की तरफ देखने के लिए मिलते हैं, अंदर की साइड नहीं मिलते हैं। बाकी एक बार देख लीजिए, ये कुछ इसके DRL हैं और यहाँ पर इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, इस साइड का ऑन है कुछ इस तरीके से, और हेडलैम्प्स देखते हैं हेलोजन हेडलैम्प्स, इस तरीके का इनका कुछ थ्रो रहने वाला है। तो सामने से लुक काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको मिलने वाला है। अब कैबिन के साइड में देख लेते हैं आपको कैबिन के साइड में क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये विंडो मिलती है कुछ इस तरीके की, कोई भी AC वेंट नहीं मिलता, तो आप इन्हें ही कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके अंदर की तरफ इससे हवा को ये थ्रो करेगा, तो आपको अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी, अच्छी खासी हवा आपको अंदर मिलती रहेगी, इस तरीके से आप इन्हें क्लोज़ भी कर सकते हैं। बाकी डोर हैंडल्स आपको ब्लैक कलर में मिलेंगे कुछ इस तरीके के, और यहाँ पर आपको इसे लॉक करने के लिए की प्लेसमेंट मिल जाती है। अब चलते हैं एक बार इसके पीछे, आप देखेंगे ट्रे का साइज़ भी बढ़ा दिया गया है, ये इसका XL वेरिएंट है तो यहाँ पर ट्रे बड़ी मिलती है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 40 लीटर की आपको इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, यहाँ पर आप इसमें पेट्रोल फिल करा सकते हैं। बाकी CNG की बात करूँ तो 5.6 किलोग्राम आपको इसमें CNG फिल करने के लिए कैपेसिटी मिल जाती है, जिससे ये एवरेज निकाल करके दे देती है 35 किलोमीटर पर किलोग्राम का, काफ़ी अच्छा एवरेज निकाल करके दे देता है, बहुत ही शानदार एवरेज है इसका। रियर टायर सेक्शन पर चलते हैं, तो यहाँ ऊपर देखेंगे कवरिंग दी गई है, बाकी टायर साइज़ वही है फ्रंट वाला 130/80 और 12 इंचज़ के आपको इसमें रिम देखने के लिए मिल जाएंगे, सेम टायर सेक्शन फ्रंट वाला ही रियर में दिया गया है। 2125 mm का आपको इसमें व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं एक बार रियर सेक्शन की तरफ, पहले मैं इसकी टेल लाइट को ऑन कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ आपको इसका रियर लुक। तो कुछ इस तरीके का आपको रियर लुक इसमें देखने के लिए मिलेगा, रियर में टेल लाइट मिल जाती है, हेलोजन में इंडिकेटर मिल जाते हैं, पार्किंग लाइट मिल जाती है, XL कार्गो की बैचिंग और बजाज मैक्सिमा की बैचिंग मिल जाती है। यहाँ से आप इसकी ट्रे को ओपन कर सकते हैं, दोनों साइड इस तरीके के इसमें लॉक दिए गए हैं, आसानी से पीछे से इसे आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। बाकी ट्रे का साइज़ बढ़ा दिया गया, और जो क्वालिटी भी यूज़ की गई है वो भी अच्छी क्वालिटी यूज़ की है, काफ़ी मोटी शीट जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई है, यहाँ से आप इसे इंजन इसका ओपन कर सकते हैं। बाकी इंजन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें आपको 236.2 cc का सिंगल सिलेंडर BS6 इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 7.1 किलोवाट की, यानी कि 10 हॉर्स पावर की। और बात करूं टॉर्क की तो 16.5 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर इंजन की प्लेसमेंट दी गई है, आप देख सकते हैं। बाकी आप इसके ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ा दिया गया है, 195 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, तो आप अगर इसे पानी में ऊपर तक भी अंदर ले जाते हैं
तो भी ये बंद होने वाला नहीं है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस पहले से बढ़ा दिया गया है। नीचे से आप देख सकते हैं कोई भी परेशानी नहीं है, पानी में कहीं तक भी आप इसे ले जा सकते हैं। यहाँ इसमें एयर इनटेक के लिए पाइप दिया गया है, देख सकते हैं आप, और इसी की वजह से आप इसे अगर पानी में अंदर तक भी ले जाते हैं तो भी ये बंद होने वाला नहीं है, पहले ये बंद हो जाता था। बाकी यहाँ पर कुछ एसेसरीज इसकी रखी हुई हैं। और अब चलते हैं एक बार इसके फ्रंट कैबिन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले डोर की ओपनिंग आप चेक कीजिए, कुछ इस तरीके की आपको वाइड ओपनिंग देखने के लिए मिलने वाली है। अंदर जाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी फ्रंट कैबिन में। अब देख लेते हैं दरवाजे पर आपको इसके क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इसे लॉक अनलॉक करने के लिए कुछ इस तरीके का लीवर देखने के लिए मिल जाता है, विंडो मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको इसकी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, इसी के ऊपर आपको स्टेपनी मिल जाती है इसकी, और बैटरी पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। बाकी सीट की साइज़ की बात करूँ तो सीट आपको काफ़ी जो है चौड़ी देखने के लिए मिलने वाली है, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ये देख सकते हैं काफ़ी वाइड है, पीछे बैक सपोर्ट भी इसमें दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे के लिए आपको ग्लास मिल जाता है एयर इनटेक के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी अंदर कैबिन की बात करता हूँ तो यहाँ नीचे आपको एक्सेलरेटर इसका देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आप पैर से ही इसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अब एक बार अंदर और अंदर देख लेते हैं। तो फर्स्ट लुक आप सबसे पहले देखेंगे कैबिन का, तो ये काफ़ी प्रीमियम बना दिया गया है पहले से। इस तरफ आपको इसमें हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें ऑयल फील करने के लिए इसका दिया गया है। बाकी अंदर लेग रूम में कोई भी कमी नहीं है। बाकी विजिबिलिटी भी आप एक बार अंदर से चेक करेंगे तो विजिबिलिटी में भी कोई भी कमी नहीं है, काफ़ी बड़ा आपको इसका फ्रंट मिरर देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर भी कोई भी कमी नहीं रखी गई है, विजिबिलिटी में कोई परेशानी नहीं है, और ड्राइवर के साथ आप एक पैसेंजर भी आप इसमें बिठा सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ आपको हैलोजन सेटअप के साथ में इसकी एक रीडिंग लैंप देखने के लिए मिल जाती है। हैंडल बार के राइट साइड में आपको इसमें इसका वाइपर ऑन ऑफ करने के लिए स्विच देखने के लिए मिल जाता है कुछ इस तरीके से, और इसी के साथ आपको इसकी हेडलैम्प्स को ऑन या ऑफ करने के लिए मिल जाता है एक स्विच। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 80 तक की स्पीड लिमिट इसमें दी गई है, वार्निंग लाइट आपको सभी मिल जाती हैं, बैटरी और इंजन न्यूट्रल इंडिकेटर से जुड़ी सभी वार्निंग लाइट मिल जाती हैं, और इसी के नीचे आपको मिल जाता है इसका फ्यूल इंडिकेटर जो कि लाइटिंग सेटअप में दिया गया है। अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है वो गाड़ियों की तरह इसे कुछ बनाने की कोशिश की गई है। और बाकी इधर देखते हैं तो थ्रो चेकआउट कीजिए आप इसका, हेडलैम्प्स का थ्रो अभी दिन हो रहा है उसके बावजूद भी हेडलैम्प्स का थ्रो काफ़ी ज़्यादा शानदार मिलता है। और इसके अलावा एक स्विच मिलता है आपको इसके हॉर्न के लिए। तो ये कुछ कंट्रोल मिलते हैं इसके आपको राइट साइड में। अब यहाँ पर देख लेते हैं डैशबोर्ड पर, तो नीचे की तरफ आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट इसमें दे दिया गया है। तो फीचर इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, थोड़ा सा लग्जरी बनाने की कोशिश इसे यहाँ पर थोड़ी सी की गई है। बाकी नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें CNG और पेट्रोल में स्विच करने के लिए की मिलता है, हजार्ड के लिए एक स्विच मिल जाता है, और ये तीसरा स्विच किस चीज़ के लिए है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कुछ आपको तीन की इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं बटन्स जो कि मैनुअली हैं। और इधर लेफ्ट साइड में हम देखते हैं तो पास के लिए स्विच मिल जाता है और इंडिकेटर के लिए स्विच मिल जाता है, ये दो स्विच आपको इसमें लेफ्ट साइड में मिलते हैं, लो बीम हाई बीम कुछ इस तरीके की है। अब चलते हैं एक बार इसके ग्लव बॉक्स की तरफ। तो इसमें आपको दो ग्लव बॉक्स दिए जाते हैं, एक ये आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स मिलता है जिसे आप की से लॉक कर सकते हैं, इसके अंदर फर्स्ट एड की बजाज की तरफ से दी गई है, तो इसे आप अपनी की से लॉक कर सकते हैं। और इस साइड आपको एक ओपन ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है, और आपको लेफ्ट साइड में इसके गियर को शिफ्ट करने के लिए यहीं से आप इसमें क्लच मिलता है, और यहीं से आप इसके गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ फर्स्ट गियर और सेंटर में न्यूट्रल, और उसी के नीचे आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ मिल जाता है। 4 स्पीड का आपको इसमें मैनुअल गियर बॉक्स देखने के लिए मिलने वाला है। की प्लेसमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पर इसकी की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ से आप इसे इंजन को इसके स्टार्ट ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ दी गई है। बाकी आप देखेंगे इस साइड आपको दोनों साइड स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, इनमें स्पीकर भी दिए गए हैं, तो अंदर ये भी एक अच्छी चीज़ की गई है। बाकी एक बार डोर को क्लोज कर लेता हूँ मैं, और इस साइड के डोर को भी एक बार क्लोज कर लेता हूँ। तो अंदर कैबिन में कोई भी परेशानी नहीं है, कोई सफोकेशन आपको नहीं होने वाली है, काफ़ी अच्छा दिया गया है। बाकी अगर आप इसे रोड पर लेकर चलेंगे तो उसके लिए आप जब विंडो से हवा जो है वो अच्छी अच्छी आएगी, क्योंकि इसकी विंडो को आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअली, कोई भी एसी वेंट आपको अंदर की तरफ देखने के लिए इसमें नहीं मिलने वाले हैं। तो ये कुछ मिलता है आपको इसके कैबिन में। अब चलते हैं एक बार बाहर और बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो आपको जो इसकी ओवरऑल लेंथ मिलने वाली है वो 3230 mm मिलने वाली है, बात करूँ विड्थ की तो वो 1493 मिलती है, और हाइट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1818 mm आपको इसकी हाइट देखने के लिए मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें गाड़ियों वाला दिया गया है, फॉर्च्यूनर को भी फेल करता है, 195 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिलने वाला है।
तो ये था फुल डिटेल रिव्यू बजाज मैक्सिमा एक्सएल कार्गो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप अपनी किसी बाइक या कार का रिव्यू हमसे कराना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।